मलाइका की उम्र से केवल 12 साल बड़े थे अनिल अरोड़ा। जी हाँ, लोगों ने पूछा है ऐसा क्यों, क्या सौतेले पिता थे? तो चलिए जानने के लिए आगे वीडियो में बात करते हैं। अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा बुधवार को अपने पिता अनिल कुलदीप मेहता के निधन के बाद एक बयान साझा किया है। जी हाँ, पहले यहाँ मीडिया रिपोर्ट में उनका नाम अनिल अरोड़ा बताया गया था, वहीं अभिनेत्री ने आधिकारिक बयान और उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए पिता का नाम से नेटिजन को कंफ्यूज कर दिया है। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि मलाइका और उनके पिता की उम्र में केवल 12 साल के अंतर हैं। तो सभी यूजर्स ये जानना चाहते हैं कि क्या मलाइका के सौतेले पिता थे। तभी ये बात तो आगे वाली वीडियो में आपको पता चलेगा। मलाइका ने कल अपने इंस्टाग्राम पर एक नोट साझा किया है। जी हाँ, जिसमें कहा गया है कि परिवार अभी बहुत सदमे में है, कठिन परिस्थितियों में आप लोग साथ दिए, आप इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कठिन समय में गोपनीयता का अनुरोध किया है मलाइका अरोड़ा ने। हालांकि जैसे ही अभिनेत्री ने पोस्ट डाला, कमेंट सेक्शन में यूजर्स भर भर के कमेंट डाल रहे हैं। जी हाँ, अंतिम नाम को लेकर आश्चर्य जता रहे हैं, पिता के अंतिम नाम को लेकर यूजर्स आश्चर्य जता रहे हैं। एक ने लिखा है कि नाम अरोड़ा कैसे है, उनके पिता का अंतिम नाम मेहता है। दूसरे ने लिखा है क्या वो सौतेले पिता थे। तो इस बात को अभी साफ नहीं हो पाया है। कुछ यूजर्स ने मलाइका और अनिल की उम्र के अंतर भी बता दिए हैं। पिता और बेटी के उम्र में केवल 12 साल अंतर है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या उनके सौतेले पिता थे? एक करीबी सूत्रों ने ISNA को बताया कि वो वास्तव में उनके सौतेले पिता थे। ये तो पता नहीं है, अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घटना की सुबह उनके लिविंग रूम में अनिल की चप्पल देखी गई थी, जिसके कारण वो उसे बालकनी में एक खोजने गई थी। अनिल की पत्नी यानी मलाइका की माता जब वो उसे बालकनी में नहीं पाई तो बालकनी की रेलिंग पर नीचे झुकी और देखी कि ऐसा कुछ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। रिपोर्ट्स के अनुसार अनिल कथित तौर पर बालकनी से गिरने से पहले अपने दोनों बेटियों से बात किए थे और कहा था कि मैं बहुत थक चुका हूँ, उनकी आत्मा की शांति के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, भगवान करें उनकी आत्मा की शांति मिले।